हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं हीरो के शोरूम दत्ता ऑटोमोबाइल्स दुर्गापुर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लैमर की दोनों मॉडल हमारे पास सामने खड़ी है। ये जो ग्लैमर की एक्सटेक है न्यू वर्सन, यहाँ पे भी ये बाइक खड़ी हुई है। और यहाँ पे जो ग्लैमर का ओल्ड वर्सन था, ये भी दोनों बाइक खड़ी है। तो इस वीडियो में इस दोनों बाइक के आपके सामने दोनों बाइक में दिखाने वाला हूँ क्या कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। दोनों बाइक में आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिलता है, बट अभी जो हमारे पास सामने खड़ी है इसमें आपको ड्रम ब्रेक है, दोनों में ड्रम है। तो इसे कंपेयर करने में भी आपको सुविधा देखने में भी अच्छा लगेगा कि कंपेयर जो हो रहा है दोनों का सेम वेरिएंट से सेम मॉडल से कंपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हीरो का एच जो है 3D में लोगो देखने को मिलेगा, और जो एक्सटेक है इसमें भी सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं जो एक्सटेक है इसमें आपको LED DRL और LED हेडलाइट देखने को मिल रहा है। और वहीं ग्लैमर के ओल्ड मॉडल में आते हैं तो यहाँ पे आप बल्ब देख सकते हैं, और यहाँ पे जो डे टाइम रनिंग लाइट होता है यहाँ पे शो होगा। तो ये आपको फ्रंट हेडलाइट में देखने को मिल जाता है। वहीं चले अगर सेकेंड चेंज की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें भी सेम है इंडिकेटर है, इसमें भी आपको येलो कलर का इंडिकेटर देखने को मिलेगा एक्सटेक में, जो हीरो का न्यू ग्लैमर एक्सटेक लॉन्च हुआ इसमें। और जो ओल्ड मॉडल है यहाँ इसमें भी आपको येलो कलर का हेलोजिन बल्ब देखने को मिल रहा है। और इसका जो डिज़ाइन है ये दोनों बिल्कुल सेम है पहले की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है, दोनों का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। हेडलाइट का भी डिज़ाइन देखें तो ओवरऑल लुक वाइज सेम लग रहा, बट इसमें माइनर चेंज है जिसकी वजह से ये लुक आ जा रहा है। यहाँ पे एस शेप का आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे 100 पीस है कि एस साइन का इसमें देखने को आ जाएगा, बट यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। तो फिर भी अगर हेडलाइट देखें तो एक्सटेक का देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में टेलीस्कोपिक फोक दोनों में है और इसमें कोई भी कवर नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है पहले की तरह ही जैसा रहता था। ओल्ड मॉडल में भी आपको वही मिल रहा, न्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा। वहीं अब बात करें फ्रंट फेंडर में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम है, रेड कलर का है, बाकी यहाँ पे ब्लैक है, बट ये जो है ये मेट में है और यहाँ पे थोड़ा सा डीप ब्लैक कलर में दिया गया है, ये आपको यहाँ भी सेम मिल रहा है। वहीं अब बात करें i3S आपको इसमें देखने को मिल जाएगा न्यू वाले एक्सटेक में, और यहाँ भी आपको ओल्ड वाले में भी i3S लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। न्यू वाले ओल्ड वाले में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ तक भी आपको बिल्कुल सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। वहीं टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ में आपको इसमें भी सेम टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, TVS का टायर इसमें भी दिया हुआ है, और आपको ओल्ड वाले ग्लैमर में भी TVS का ही टायर देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्रंट का टायर साइज़ है वो 80/100/18 सेक्शन का आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखें तो इसमें भी आपको सेम चीज़ है 80/100/80 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। ड्रम ब्रेक में देखने को मिल जाता है, ड्रम ब्रेक लगा हुआ है दोनों मॉडल के फ्रंट में। और वहीं व्हील में देखें तो व्हील में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैमर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ग्लैमर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और ब्लू कलर का स्टिकर देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको ओल्ड वाले में यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे व्हील साइज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टिकरिंग का ग्राफिक्स का यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अब दोनों का लुक देखें फ्रंट से, तो दोनों का लुक आप फ्रंट से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लुक इसका निकल के सामने आता है। वहीं अब कंसोल देखें तो कंसोल में आपको देख सकते हैं इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। जो ओल्ड मॉडल है उसमें देख सकते हैं सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। आपको मैनुअल और सेटिंग देखने को मिल रहा है। और तो वही चीज़ हम आ जाते हैं एक्सटेक में, तो एक्सटेक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, साथ ही नेविगेशन भी इसमें दिया गया है, ब्लूटूथ भी दिया गया है और साइड स्टैंड सेंसर भी दिया गया है, और यहाँ पर मैनुअल और यहाँ सेटिंग का है। बट ओल्ड वाले में आपको ऐसा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, नेविगेशन भी नहीं है और साइड स्टैंड सेंसर भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ओल्ड वाले में नहीं मिलती, आपको न्यू ग्लैमर एक्सटेक में देखने को मिलती है। वहीं आप जो यहाँ पे हीरो का लिखा हुआ लोगो देख सकते हैं, हीरो का लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू एक्सटेक में, ओल्ड वाले में भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं हैंडल की तरफ देखें तो यहाँ पे राइट साइड में आपको i3S टेक्नोलॉजी जो हीरो की है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे i3S देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सेल्फ देखने को मिल जाता है राइट साइड में,
यहाँ पे ओल्ड ग्लैमर में भी आपको सेम वही चीज़ देखने को मिलता है, i3s और ये चीज़ें। वहीं लेफ्ट साइड में चले तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम ऑप्शन दिख जाता है इंडिकेटर का, लेफ्ट राइट का, यहाँ हॉर्न और यहाँ पे पास स्विच। वहीं अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी बिल्कुल आपको सेम पहले की तरह ही बिल्कुल दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फीचर वाइज इसमें चेंज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, बट अगर ओल्ड वाले में हम जाते तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। पेट्रोल टैंक देखें तो बिल्कुल दोनों का सेम है। और जो यहाँ पे कट है, ये ग्लैमर के लिए यहाँ पे कट जो डिज़ाइन दिया गया है वो भी यहाँ पे सेम है दोनों में, न्यू और ओल्ड दोनों में। यहाँ पे जो आप देखें पेट्रोल टैंक के पास ये थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचा है, तो ये न्यू एक्सटेक में। ओल्ड में भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और वहीं आप देखें ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओल्ड ग्लैमर में आप देख सकते हैं ऐसा है, न्यू ग्लैमर में आपको ब्लू कलर का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 3D में ग्लैमर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्राफिक्स में स्टिकर में दिया गया है। तो ये है, बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो दोनों का बिल्कुल सेम रखा गया है। सीट पोजीशन देखें तो सीट पोजीशन थोड़ा सा माइनर चेंज है, यहाँ पे ओल्ड वाले में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ओल्ड वाले में थोड़ा सा यहाँ पे स्लिम किया गया है और जो न्यू वाला है वो थोड़ा सा उठा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सेम, थोड़ा सा स्लिम है, लंबा देखने में लग रहा, बट यहाँ पे ये सीट में यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये हो गया सीट का। अब अगर यहाँ पे देखें बैक साइड में तो यहाँ पे हीरो लिखा हुआ देखने को मिल रहा न्यू में, आपको ओल्ड ग्लैमर में हीरो यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ देखने को मिल रहा। ओल्ड में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रखा गया है। साथ ही यहाँ पे ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा फाइबर, यहाँ i3s लिखा हुआ देखने को मिल जाता है न्यू एक्सटेक में। ओल्ड एक्सटेक में आपको यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे i3s लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भी बिल्कुल सेम है fi जो लिखा हुआ है। और आप न्यू में जाएं तो न्यू वाले एक्सटेक में भी यहाँ पे आपको fi लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में हीरो लिखा हुआ है, आपको वहाँ भी हीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। फिर इस साइड आते हैं तो इस साइड में हीरो लिखा हुआ है, आपको इस साइड में भी हीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। सीट खोलने के लिए जो है यहाँ पे चाबी लगाया जाता है न्यू एक्सटेक में। ओल्ड एक्सटेक में भी, ओल्ड ग्लैमर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सीट को खोल सकते हैं। वहीं जो सस्पेंशन है यहाँ पे रेड कलर में दिया गया है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है और आपको यहाँ पे भी सेम है। जो दोनों का टेल लैंप आप देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल सेम डिज़ाइन रखा गया है। अब अगर आप न्यू ग्लैमर एक्सटेक में देखें तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन आपको ओल्ड ग्लैमर एक्सटेक में भी देखने को मिलेगा, ओल्ड ग्लैमर में देखने को मिलेगा। एक्सटेक में गलती से बोल दे रहा हूँ, एक्सटेक बोलने का आदत हो गया है तो एक्सटेक गलती से बोल दे रहा हूँ। बाकी लुक वाइज दोनों टेल लैंप जो है वो बिल्कुल सेम है, हल्का फल्का थोड़ा सा शायद चेंज देखने को लग रहा, बाकी वैसा तो कुछ फील नहीं हो रहा, बस ऐसा लग रहा है कि चेंज है, बट बिल्कुल सेम है। और दोनों में बल्ब लगा हुआ है और वहीं बैक का इंडिकेटर है, इसमें भी आपको येलो कलर का इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है न्यू ग्लैमर एक्सटेक में। और ओल्ड ग्लैमर में भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर हो गया बैक के लिए, यहाँ पे नंबर प्लेट, ये आपको न्यू ओल्ड ग्लैमर में मिलता है। न्यू ग्लैमर एक्सटेक में भी आपको सेम ये रिफ्लेक्टर हो गया, यहाँ पे हीरो का नाम और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए हो गया। साइलेंसर देखें तो साइलेंसर में भी बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है, ये ओल्ड ग्लैमर है और ये न्यू ग्लैमर एक्सटेक। और यहाँ पे देखें दोनों के रियर में तो ड्रम ब्रेक है, ये है न्यू ग्लैमर एक्सटेक और ये है ग्लैमर का ओल्ड वर्जन, तो इसमें भी आप ड्रम ब्रेक देख सकते हैं। वहीं टायर साइज की बात करें तो बैक में जो है बैक में भी आपको TBS का टायर देखने को मिल रहा है। इसका जो टायर साइज है वो रियर में 100x80 18 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल रहा है। और बैक में भी आपको ग्लैमर का स्टिकर और ब्लू कलर ग्लैमर लिखा हुआ मिल जाएगा और ब्लू कलर का स्टिकर देखने को मिल जाता है। बट अगर ओल्ड वाले में चले तो ओल्ड वाले में आपको ब्लू कलर का स्टिकर देखने को नहीं मिल रहा व्हील में और ग्लैमर भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो टायर साइज है 100x80 और 18 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर हैं, TBS के ही दोनों टायर लगे हुए हैं। तो ये कुछ डिफरेंट आपको समझ में आ रहा होगा लुक वाइज और बिल्कुल सेम है। फीचर वाइज दोनों में काफ़ी ज़्यादा लोडेड ये बाइक होती है, जो कि 125 सीसी सेगमेंट में अभी तक ऐसा कोई भी कम्यूटर बाइक कोई भी कंपनी नहीं बनाई है जिसमें इतना सारा फीचर मिलता हो जितना आपको न्यू ग्लैमर एक्सटेक में देखने को मिलता है।
तो जो लोग भी अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं जिनको भी इंटरेस्ट है इस बाइक को लेने के लिए, तो आप लोग दुर्गापुर के हीरो के जो शोरूम है दत्ता ऑटोमोबाइल वहाँ पर जाके ले सकते हैं। चैनल का नाम मेंशन कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस में डिस्काउंट मिलने का उम्मीद है। इंजन आपको दोनों में बिल्कुल सेम मिलता है, 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलता है और दोनों में ही सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा। ये न्यू वाला ग्लैमर एक्सटेक है, ये ओल्ड वाला आप देख सकते हैं, दोनों में आपको सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलता है। बाकी दोनों में ही कैटलेटिक कन्वर्टर का यूज किया गया है और दोनों में आपको इंजन गार्ड नहीं मिलता है, ये बिल्कुल ऐसा ही सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि इसमें जो गियर बॉक्स है इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा ओल्ड ग्लैमर में। न्यू ग्लैमर में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है और इसमें साइड स्टैंड सेंसर भी लगा हुआ है। जब आपका बाइक साइड स्टैंड पे होगा तब आप अपने बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जब आप स्टैंड को उठाएंगे तभी आप अपने बाइक को स्टार्ट कर पाएंगे। ये फीचर आपको मिलता है न्यू ग्लैमर एक्सटेक में। ओल्ड ग्लैमर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका स्टैंड वाला सेंसर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ क्विक सा कंपेयर वीडियो था, अगर कोई जानकारी छूट गया होगा तो कभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे या आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो सारी चीज़ें बताने के लिए। साड़ी गार्ड भी आप देख सकते हैं दोनों में देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप अगर बाइक रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप शोरूम में कॉल करके कोई भी अपना क्वेरी कर सकते हैं। तो यही कुछ है दोस्तों, और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।